अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और इनके जैसे वो तमाम स्टार जो पैसे के लिए पान मसाला का विज्ञापन करते हैं और इस देश के कई लोगों को कैंसर का शिकार बना देते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये लोग कैंसर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे फिर अजय देवगन या इनके जैसे तमाम लोग हो। इनका सिर्फ एक ही धर्म है, पैसे कमाना। इनके फैंस कैंसर का शिकार होते हैं तो हो जाए, मरते हैं तो मर जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनके फैंस भी ऐसे ही हैं कि अगर इनके स्टार जो गलत काम करते हैं इसके बारे में कुछ बोला जाए तो ये उनको गलत नहीं कहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, ये सवाल खड़ा करने वालों के ऊपर ही सवाल खड़े करने लगते हैं कि तू तो नफरत करता है, तू जलता है हमारे स्टार से, भैया हम क्यों जलेंगे। उनकी फिल्म आती है, अच्छी होती है तो हम तारीफ करते हैं, बुरी होती है तो हम खराब कहते हैं। तो ऐसे इनके अच्छे काम की हम तारीफ करते हैं, बुरे काम की बुराई करेंगे, जो कि करना चाहिए। लेकिन इनके फैंस होते हैं, नहीं भैया हम नहीं करेंगे, भले ही कैंसर का शिकार होकर मर ही क्यों ना जाए। अब कहानी अक्षय कुमार की है कि इनका पान मसाला का विज्ञापन आया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, तब जनता ने इन्हें बहुत गालियां दी थी। उसके बाद इन्होंने माफी मांगी लंबी चौड़ी और कहा कि मैं अब नहीं करूंगा, ये सारे पैसे भी चैरिटी में दे दूंगा, समाज सेवा के कार्यों में दे दूंगा, अब मैं इस तरह का विज्ञापन नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर हूं। लेकिन कहानी देखिए, आईपीएल के मैचेस आ रहे हैं और अक्षय कुमार का विज्ञापन पान मसाला वाला फिर से नजर आ रहा है। तो सोच लीजिए कि कितने दोगले किस्म के लोग हैं। अब भले ही ये कह दे कि ये विज्ञापन पहले का बना हुआ, मुझे नहीं लगता कि ये विज्ञापन पहले का बना हुआ है, ये विज्ञापन अभी बनाया हुआ है। माफी तो मांगना है। अक्षय कुमार की जब फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो भाई साहब ने पान मसाला का विज्ञापन कर लिया, गुटखा बेचने का काम कर लिया, गुटखा स्टार बन गए। और जैसे इनकी OMG 2 हिट हुई तो इन्होंने गुटखा वगैरह का नहीं किया था काम, लेकिन जैसे मिशन रानीगंज फेल हो गई वैसे इनका गुटखे का फिर से ऐड आता है। तो भैया इस बंदे की फिल्म हिट करवाया करो यार, फ्लॉप करवाओगे तो ऐसे गुटखा बेचते रहेगा। जब गुटखा नहीं बेचते ये लोग तो फिर उसके बाद ये जो जुए वाली ऐप होती है उसका प्रमोशन करते हैं। देश को बिगाड़ना है, पैसे कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस देश में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को दोष देना सही नहीं है, हर कोई है। आप खुद जिम्मेदार हो जो ऐसे लोगों को अपना स्टार मानते हो, मानो स्टार लेकिन उनकी गलतियों पर बातें भी करो। अब आप देखेंगे कि एक चीज, इन लोगों को आप कितनी भी चीजें समझाने की कोशिश कर लो, जनता कितना भी ट्रोल कर ले, ये समझने से रहे। अब ये जो विज्ञापन आया है इसमें अजय देवगन और शाहरुख खान गाड़ी में बैठे हुए हैं और अक्षय कुमार को बुला रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार के घर तक आवाज नहीं पहुंच रही क्योंकि भाई साहब ने कानों में हेडफोन लगा कर रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये पान मसाला खोलते हैं वो कैंसर की जो बदबू है ये अक्षय कुमार के घर तक उड़कर जाती है बड़े ही क्रिएटिव वे में, और अक्षय कुमार नीचे चले जाते हैं पान मसाला खाने। ऊपर से एक लेडी बैठी हुई है, वो भी वही इशारे कर रही है जुबा केसरिया, तो मतलब कल को वो भी खाएगी, वो भी थूकेगी, यहां वहां गंदगी करेगी। सिर्फ गुटखा खाकर थूकने से ही हमारे देश में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। लेकिन इसमें गलती जो है ये सरकार की भी है, सरकार इस तरह की चीजों के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती है, प्रॉब्लम है उसमें। सरकार इसलिए बैन नहीं लगाती क्योंकि सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये जो स्टार हैं ये भी मुंह मोड़ लेंगे, और जो जनता गुटखा खाती है भले कैंसर का शिकार हो जाए उन्हें पता है, लेकिन वो जनता भी सरकार से नाराज हो जाती है। आपने देखा है जब पॉर्न बैन हुआ तो सरकार से नाराज, शराब बैन कर दो तो सरकार से नाराज हो जाते हैं। तो गुटखा भी बहुत सारी लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार इसे बैन नहीं कर पाती है। ये लोगों की रगों में घुस चुका है, और जो लोगों की रगों में घुस जाता है उसे आप बैन नहीं कर सकते हैं। और इलेक्शन के टाइम पर यही चीजें तो काम आती है, चिकन मटन गुटखा शराब, ये चीजें बेचकर ही तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जीत जाती है। विकास विकास गया तेल लेने। तो अक्षय कुमार का फिर से पाखंडी वाला रूप नजर आ गया है, लोग यही कह रहे हैं कि ये तो भैया बहुत ही पाखंडी है ये सारे के सारे स्टार। हालांकि कुछ भी कहें, गालियां तो हम जैसे लोगों को पड़ती है कि हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, इनके स्टार्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं।